नमस्कार। खबरों की बदलती परिभाषा ऑप्टिमिज्म एक आशा में आप सबका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आपने नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार देखा ही होगा, लेकिन वो रियल लाइफ थी। कांगड़ा में ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% मार्क्स हासिल करने वाले अपने ऑफिस के चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया है। 14 साल की हिना ठाकुर सुबह 11 बजे से एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी हैं। एसडीएम जतिन लाल हिना के बगल में बैठे हैं। हिना सुबह से एसडीएम ऑफिस की बैठ के एसडीएम के मार्गदर्शन में ले रही हैं। बाहर से आ रहे लोग अपनी समस्याएं एक दिन के एसडीएम हिना को बता रहे हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 अस्पतालों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे अपने यहाँ मौजूद सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा कि पिछले एक सप्ताह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होना जरूरी है। इसलिए कोविड अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ मौजूद सभी बेड पर जल्द से जल्द पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने टीममेट और जूनियर हेल्पर के लिए 1892 पोस्ट के लिए आवेदन मांग लिए हैं। जूनियर टीममेट के 1500 पोस्ट व जूनियर हेल्पर के 392 पोस्ट अनुबंध में भरे जाएंगे। नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 8150 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। प्लेसमेंट और नई खोजों में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद ग्राफिक एरा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार के देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटी की सूची में ग्राफिक एरिया डीम्ड यूनिवर्सिटी ने जगह बना ली है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में इस यूनिवर्सिटी को शामिल भी कर लिया गया है। आज दिल्ली के एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश की टॉप यूनिवर्सिटी की सूची जारी की। ग्राफिक एरा को देश भर के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्थान मिलने की खुशी में आज यूनिवर्सिटी में मिठाइयाँ बांटी गई। उत्तराखंड का कोई अन्य विश्वविद्यालय टॉप 100 तक नहीं पहुंच पाया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के बहरामपुर क्षेत्र में स्थित है हजरत सालार मसूद गाजी मियां उर्फ बाले मियां का दरगाह। इस दरगाह में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। यहां लगने वाले वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में हिंदू शामिल होकर गंगा यमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। यहाँ मेले में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की संख्या होती है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें अतिरिक्त गतिविधियों में नहीं समझा जाएगा। 21st सेंचुरी ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू ने कहा, भारत की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का ही हिस्सा होंगे। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि शिक्षा एक है, खेल एक है, ये दोनों समान हैं। इसी के साथ आज की मुख्य खबरें समाप्त होती हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए इन्फोबग के साथ।